पार्ट फोर देखिए अक्ष बटा दो, पहले इसको हल कर लो। अक्ष बटा दो प्लस दो वाई बटा तीन बराबर माइनस एक, ये फ्रैक्शन में है ना, इसका फ्रैक्शन हटाओगे। फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका एलसीएम ले लो, छह आ गया, इसके नीचे एक कर दो, ठीक है। तो ये तीन से गुणा हो जाएगा, तीन एक्स हो जाएगा, प्लस छह में तीन का भाग दिया दो, तो दो को दो वाई से गुणा किया तो चार वाई हो गया, इक्वल टू माइनस वन है, इसको छह से गुणा किया तो माइनस छ हो गया, ओके। तो ये आपका क्या बन गया, तीन एक्स प्लस फोर चार वाई बराबर माइनस छ, ये आपका समीकरण पहला बन गया। दूसरा आपका ये समीकरण है एक्स माइनस वाई बटा तीन बराबर तीन, इसको भी हल कर लो, फ्रैक्शन को हटाओ तो तीन एक्स, इसको तीन से गुणा कर दो, माइनस वाई बराबर तीन को तीन से गुणा किया दो, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब आपको विलोपन करना है एक, तो विलोपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहां पर भी तीन एक्स है, यहां भी तीन एक्स है, इसलिए आपको वो प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, इसमें से इसको बैठा दो, तीन एक्स है प्लस फोर वाई बराबर माइनस सिक्स, इसमें से इसको बैठा दो, क्योंकि दोनों है इसलिए सिमिलर है, दोनों एक्स की कोएफिशिएंट जो है गुणांक है वो तीन तीन है, इसलिए इसमें से घट जाएंगे, इसको आप घटा दोगे इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ओके, और ये जो है प्लस का हो जाएगा। तो ये तीन और तीन तो कट गए, प्लस और माइनस इनको जोड़ दो, दोनों माइनस के हैं ये, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस का कितना होंगे, चार वाई और एक वाई पांच वाई, और यहां पर ये भी प्लस का है और ये प्लस का है, तो बराबर नौ छह पंद्रह जुड़ जाएंगे, पांच वाई बराबर माइनस पंद्रह, तो आप यू लीजिए वाई बराबर पंद्रह बटा माइनस पांच, ओके। अब आप पंद्रह में पांच का भाग देंगे तो तीन होगा, और माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस, तो ये हो गया आपका आंसर माइनस थ्री। माइनस थ्री क्या है, वाई की वैल्यू, वाई बराबर माइनस थ्री, अब वाई की वैल्यू थ्री आ गई। अब इसको जो है आप समीकरण वन में रखो, समीकरण वन क्या है, ये तीन एक्स प्लस चार वाई है, तो वाई का तीन है तो तीन एक्स का तो तीन एक्स, और चार वाई यानी चार गुणा माइनस तीन, वाई मतलब माइनस तीन, दोनों को गुणा किया तो माइनस के कितने हो गए, बारह हो गए, प्लस और माइनस को, तो ये प्लस की बजाय ये माइनस का हो जाएगा, इसको हटा दो, इक्वल टू माइनस छ यानी थ्री एक्स बराबर माइनस छ, और ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस बारह, प्लस का ज्यादा है तो तीन एक्स बराबर प्लस के छ हो गया, तो एक्स बराबर छ बटा तीन यानी दो, तो एक्स की वैल्यू दो, वाई की वैल्यू माइनस तीन, ये आपका आंसर हो गया। आप आंसर कैसे लिखोगे, अतः दिए गए रेखीय समीकरण युग्मकों का हल है एक्स इक्वल टू दो, एक्स बराबर दो और वाई बराबर माइनस तीन, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड इज एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू माइनस थ्री। देखिए विलोपन विधि से हमने किए, प्रश्न क्या है, आप चाहो तो विलोपन विधि से कर दो और चाहे प्रतिस्थापना विधि से कर लो, जो आपको अच्छा लगे। तो ये हमने विलोपन विधि वाला सिंपल है, सरल है, आपने इसको कर लिया, क्लियर। प्रतिस्थापना विधि से हमने आपको पहले बताया था पिछली प्रस्तावली में, आप वैसे भी कर सकते हो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।